गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में खास तौर पर स्टार्टअप्स और एमएसएमई पर जोर दिया जा रहा है और आपको जानकारी होगी कि जो स्वदेशी कंपनियों को यहां पर खासा प्रमोट किया गया है। पहली बार ऐसा डिफेंस एक्सपो है जहां स्वदेशी कंपनियों को पूरी तरीके से इजाज़त दी गई है और जिन विदेशी कंपनियों के भारत में ज्वाइंट वेंचर हैं उन्हीं को यहां पर एग्जीबिशन की अनुमति दी गई है, यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी ये डिफेंस एक्सपो है। और इस डिफेंस एक्सपो पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह जी वर्मा, जो कि एमएसएमई मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एमएसएमई के लिए इस तरीके का जो ये डिफेंस एक्सपो है ये एक तरह से बहुत अहम होता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो लोग अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग, उनके लिए ये और उनके खरीदारों के लिए खास तौर पर ये कितना अहम है डिफेंस एक्सपो? विशेष रूप से आज जो गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो गुजरात की धरती पर किया जा रहा है, विशेष रूप से जो हमारे मित्र देश है वो यहाँ आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी हमारी एमएसएमई कंपनियाँ और सारे कंपनीज हैं जो मिलिट्री के लिए सामान बना रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से आज देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 68% रक्षा का जो बजट है उसका 68% जो भी चीज़ खरीदी जाएगी वो भारत में निर्मित चीज़ों पे ही खर्च की जाएगी, उन्हें ही खरीदा जाएगा। मतलब जितना भी हम लोग चीज़ों को बनाएंगे वो सारी चीज़ें करेंगे हम, अब वो नहीं आयात नहीं करेंगे, अब हम निर्यात करेंगे। हम इतना इस देश में सामान बनाएंगे और एमएसएमई के सेक्टर से बनाएंगे, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके लिए ये सुविधाएं दी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। इसलिए मैं अपनी ओर से और एमएसएमई मंत्रालय की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्हें चिंता एक छोटे से एक कंपनी की है, छोटे से छोटे जो एमएसएमई हैं उनकी चिंता है। उन्होंने अपने बजट में जो चीज़ें दी हैं कि अगर जितना भी खरीदा जाएगा माल वो अपने देश का ही निर्मित होगा, बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। जी, और प्रधानमंत्री ने डिफेंस इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसको लेकर भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री उस पर तवज्जो दे रही हैं तो जो काम है डिफेंस कॉरिडोर का, और ख़ास तौर पर आप खुद उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें और तेज़ी आने की उम्मीद है? विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री ने अभी मंच पर डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया है और उन्होंने कहा देश में सिर्फ दो ही डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, एक तो तमिलनाडु में बन रहा है और दूसरा उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसमें बाहर की कंपनियां आ रही हैं, सारी चीज़ें नहीं। और मेरा एमएसएमई मंत्रालय के भी सोचना है कि जहां जो बाहर की कंपनियां आएंगी वहां कुछ ना कुछ क्षेत्रीय लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कुछ बच्चों को वहां ट्रेनिंग ले सकें, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने के लिए हम लोगों ने वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना की थी, उन्होंने 20 एकड़ ज़मीन दे दी है और हम लोग शीघ्र ही वहाँ एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने जा रहे हैं जिससे जो बाहर की कंपनियाँ आएँगी बच्चे उसमें सीखने के बाद उसमें नौकरी मिलेगी, व्यवसाय भी बढ़ेगा उनका और धीरे धीरे बच्चे क्षेत्र के लोगों को अपना स्वयं का रोजगार करने के लिए वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। ऐसा टेक्निकल सेंटर वहाँ खोला जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश में जो दोनों टेक्निकल सेंटर हैं उनके लिए सीधा सीधा कहा डिफेंस कॉरिडोर के लिए कि जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं वो जो वो वहाँ अपनी कंपनियाँ लगा रहेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, शीघ्र ही वहाँ प्रारंभ हो जाएगा। एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके की यहाँ एग्जीबिशन हैं, जिस तरीके के स्टॉल्स हैं, आपको लगता है कि भारत जो डिफेंस प्रोडक्शन में, जैसा कि आपने कहा कि कभी इंपोर्टर हुआ करता था अब एक्सपोर्टर होने लगा है, तो ये जो एग्जीबिशन है ये कितने अहम आपको लगते हैं? और ख़ास तौर पर जो यहाँ पूरे गांधीनगर में कई जगह जो डिफेंस प्रोडक्शन जो हो रहा है उसे उसका नज़ारा दिखाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये जो एग्जीबिशन है ये जो उन छोटे व्यापारियों कारोबारियों के लिए जो अपने अभी उद्योग लगा रहे हैं और जो विदेशी खरीदार हैं जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? विशेष रूप से आज जो हमारा डिफेंस एक्सपो है 2022, विशेष रूप से गुजरात की धरती से ये सारा सीधा आह्वान किया गया है कि जो छोटे छोटे एमएसएमई हैं, छोटी छोटी जो एजेंसियाँ हैं जो काम कर रही हैं,
विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि एमएसएमई एक ऐसा मंत्रालय है जिसने हम लोग निर्यात की बात करें तो ये जो निर्यात होता है देश में उसमें 49% अकेला निर्यात एमएसएमई करता है, एमएसएमई सेक्टर करता है अभी। तो आने वाले समय में जो छोटे छोटे जो हमारे वो है हमारी फैक्ट्रियां हैं जो एमएसएमई के सेक्टर हैं, निश्चित उसमें सारी चीज़ें उनको सीधा सीधा फायदा होने वाला है, छोटे छोटे लोगों को फायदा होने वाला है, वो चीज़ कल पर जो बनाएंगे सारी चीज़ें। अभी मैं शायद 5G का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में किया था, उसमें हम लोग उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा मैं एक बड़ी चीज़ देखता हूँ, एक बड़ी गाड़ी देखता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग उसमें जाता है कि इसमें छोटे छोटे जो कर्पूरजे बने हैं वो एमएसएमई के द्वारा बनाए जाएं और उनकी जिससे उनकी लागत भी कम हो जाए, जो हर चीज़ वो वस्तु हर व्यक्ति के पास सुलभता से पहुँच सके। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसकी चिंता भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है, आज भी कहा है कि 68% जो भी रक्षा बजट का है वो हमारी छोटी छोटी एमएसएमई यहाँ के जो देश में जो काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो छोटे कलपुर्जे बनाएंगे, सारी चीज़ बनाएंगे, उन्हीं को ही कर जाएगा और इतना बनाया जाएगा कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे जी। आयात करना बंद कर देंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और अन्य छोटे छोटे देश जो अपने किसी आर्थिक स्थिति की वजह से वो चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा भारत देश उन्हें उन चीज़ों का भी निर्यात करेगा। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह जी वर्मा का कहना है कि भारत जल्द ही इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की भूमिका में आएगा और उसकी एक बड़ी वजह एमएसएमई होगा। कैमरामैन सरोज दास के साथ मैं नव विक्रम सिंह, सनसर टीवी, गांधीनगर।